मैं देखना चाहता हूँ क्या स्मृति ईरानी आज सड़क पे आएंगी, क्या स्मृति ईरानी उस पीड़ित परिवार के घर जाएंगी, क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उस पीड़ित परिवार के घर जाएंगी। बताइए आप मुझे, है दम बीजेपी के किसी नेता के अंदर? लेकिन स्मृति ईरानी बाल विकास महिला मंत्रालय में है, फिर भी चुप है। अरे महिला बाल विकास मंत्रालय में रहने से कुछ नहीं होता, महिलाओं के लिए किया क्या है जरा ये तो बताइए। वो तो चुप बैठी हुई है। ये बताइए, अरे सिलेंडर लेकर सड़कों पर जब उतरती थी, जब दूसरी सरकारों का राज होता था, आज तो बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हो गया, क्या उतरी स्मृति ईरानी? बताइए आप मुझे, उत्तराखंड में बेटी के साथ में घटना हो गई, क्या उत्तरी स्मृति ईरानी? लेकिन बताइए आप मुझे, बीजेपी के लगातार नेताओं के नाम ऐसे आए, कभी हिमालय। देखिए मैं क्या बोलता हूँ आपको, जब श्रद्धा और आफ्ताब का मामला था तो सब लव जिहाद के लिए उतर गए थे। इस घटना में अगर मुसलमान होते तो इस देश के अंदर तमाम जगहों पर दंगे और फसाद हो जाते। अजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये दल वो दल, फलाना हिंदुओं की रक्षा, ये हिंदुओं की रक्षा, मैं हिंदुओं की रक्षा, तू हिंदुओं की रक्षा। अब कोई नहीं आ रहा हिंदुओं की रक्षा के लिए, क्योंकि जब अपराधी हिंदू हो सबके होठ सिल जाते हैं। ये अपराधियों को हिंदू और मुसलमान की नज़र से देखते हैं, जबकि अपराधी का कोई जाति, कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता है। और ये लोग जो गालियों बकने का काम करते हैं ना सोशल मीडिया पे बैठकर, इनके घर के अंदर अगर आपके अंदर दम हो ना और आपका ज़मीर जिंदा हो और वाकई में ही आप एक इंसान की औलाद हो और अगर आपके अंदर इंसान का ज़मीर है, तो आज बोलिएगा उस बेटी के लिए जिस बेटी के साथ देश की राजधानी में इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हो गई है। लगातार बीजेपी के मंत्री या फिर विधायकों का नाम ऐसे मामलों में आता रहे, लेकिन मोदी जी इन सब मामलों में चुप हैं। मोदी जी क्या बोलेंगे, एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ उसके अंदर नाम किसका होता है? भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर का। मोदी जी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पार्टी के लोगों को निकाल निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं बस। नूपुर शर्मा ने भारत देश की फजीहत करवाई, क्या किया? पार्टी से बाहर कर दिया। नवीन जिंदल पार्टी से बाहर कर दिया। कुलदीप सिंह सेंगर पार्टी से बाहर कर दिया। अरे पार्टी से बाहर करने से कुछ नहीं होता, आपकी पार्टी में आज आप कहते हैं ना कि अपराध समाप्त हो गया, अपराध इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि सारे अपराधी आपकी पार्टी में हैं, और आपकी पार्टी में अपराधी रहते हैं तो वो बड़े दूध के धुले हो जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हो जाते हैं। देश के गृह मंत्री का क्या बायोडाटा है, क्या बैकग्राउंड है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है। फिर भी बार बार जनता चुनके तो सत्ता में लाती है ना इन्हीं को, जनता चुनकर लाती है हिंदू और मुसलमान के नाम पर। जनता है बेवकूफ और जनता आज भी चुनेगी, देखिएगा आप। हिंदू मुसलमान के नाम पर आज भी चुनेगी, और अगर आप चुनेंगे तो देखिएगा यही हालत होगी आपकी बेटियों के साथ। देखा ना नशे में धुत होकर कैसे आपकी बेटियों को घसीटा गया। अरे जितनी भी मेरी माताएं और बहनें देख रही हैं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने घर और मकानों से निकलिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश और जमीर के लिए कम से कम हक और की आवाज को उठाइए। जो बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में घूम रहा है, मोदी नहीं तो कौन? अरे आप एक बात मुझे बताइए, आपके अंदर शर्म नाम की चीज बची है या नहीं बची है, हैं? या पत्रकारिता? नहीं पत्रकारिता की आड़ में सारी शर्म भी बेच दी आपने, ये बताइए आप मुझे। नहीं ये सवाल पूछने, ये सवाल का वक्त है आपका, है? ये चुनावी सुनिए ये चुनावी वक्त है आपका, है? एक बात आप मुझे बताइए, ये चुनावी वक्त है आपका। आज उस बेटी के साथ इतनी बड़ी दर्दनाक घटना घट गई, उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी आपने सोचा है? सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, सत्ता में बीजेपी है, सुन लीजिए, सत्ता में बीजेपी है, बीजेपी से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना? और उसी से सवाल हम पूछ रहे हैं। तो मैं दिमाग में ये सवाल है ना, मोदी नहीं तो कौन? सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। क्या एक बात आप मुझे बताइए, हमें ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए जिसके राज में हमारी बेटियों को ऐसे दारू पीकर। आप एक बात बताइए, वैसे तो आपने गुजरात में शराबबंदी कर रखी है, तमाम जगह पर शराबबंदी कर रखी है, आपकी उस शराबबंदी का फायदा क्या, ये बताइए ना आप मुझे। शराबबंदी का कोई फायदा है? जहाँ शराबबंदी है वहाँ पर दुगने रेटों पर दारू बिकती है और जहरीली शराब पी पी के लोग मरते हैं। आज आपने देखा देश की राजधानी में नए साल पर इतनी शराब बिकी, इतनी दारू बिकी, बताइए आप मुझे। जगह जगह लोग दारू पीकर निकल लेते हैं। सरकार को नए साल से 10 दिन पहले बिना अल्टीमेटम लाए चुपचाप शराब को बंद कर देना चाहिए, देख लेते हैं हम भी कौन सी घटना कहीं घटित हो जाए। बताइए ना आप मुझे, शराब से इस देश में सरकार जो है वो शराब से चलती है, दारू के पैसे से सरकारें चल रही हैं, ठीक है ना? जितने भी आपराधिक मामले हैं, अपराधी लोग हैं, पैसा देते हैं, बड़े बड़े पीएम केयर फंड में पैसा जाता है, चंदा जाता है, तब ये सारी घटनाएं चल रही है। आपको क्या लगता है जितने भी गलत काम होते हैं सरकार की निगाह में नहीं है? सरकार की निगाह में रहकर सारे गलत काम होते हैं, सारे कोई बड़ा आरोप नहीं है, सरकार की निगाह में रहकर सारे गलत काम होते हैं। ये सब लोग पैसा देते हैं सरकार को और ये सारे के सारे सरकार के दलाल हैं, सारे अपने जमीर बेचकर खड़े हुए हैं। ये जितने भी लोग हैं, जितने भी जो लोग आज अफसरशाही में लगे हुए हैं, जिन लोग जो अफसर
सरसाई में लगे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग जो खुल के बोलते हैं उनका तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। लेकिन वो लोग जो सत्ता की दलाली करते हैं और जो आपराधिक कार्य करवाते हैं, ड्रग्स, चरस, गांजा सब कुछ बिकवाते हैं, वो सारे लोग सत्ता से जुड़े हुए होते हैं कहीं ना कहीं। उनका बैकग्राउंड खोल कर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। सरकार को एक एक चीज का पता है, लेकिन महिलाओं के साथ यौन शोषण, उत्पीड़न और महिलाओं के साथ बदतमीजी के मामले देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से उस बेटी को 4 किलोमीटर तक खसीटा गया, उनको बेशर्मों को जरा सी भी शर्म नहीं आई, दारू पीकर शरे आपके नशे में धुत होकर एक बेटी को 4 किलोमीटर तक घसीटते हैं और उसके बाद उस बेटी का जो है वो प्राण निकल जाते हैं। और उनको जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। उनमें जो एक अपराधी है मनोज मित्तल, उसका जो है आपने देखा भी होगा कि मंगोलपुरी से भारतीय जनता पार्टी से उसका कनेक्शन भी निकल कर आता है। तो ये लोग जो कह रहे थे आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, जब बोल रही थी कि छुरियों में धार लगा लो, अरे हिंदुओं की बेटियों को तो आप ही लोग हैं जो मरवा रहे हैं और आप ही की पार्टी के नेता, ठीक है ना। उत्तराखंड के अंदर जब कांड होता है तब आपकी पार्टी के उसमें नेता पकड़े जाते हैं, ठीक है। जब एक चकला चलाने वाला पकड़ा जाता है उसमें आपकी पार्टी के नेता का नाम होता है, उदयपुर घटना में आपकी पार्टी के नेता का नाम होता है, क्योंकि आप लोग के राज में सबसे ज्यादा हिंदू मरते हैं। इस देश के अंदर मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा नहीं है, खतरा बीजेपी के नेताओं से है। और अपनी फूल जैसी बच्चियों को बीजेपी के नेताओं से बचा कर रखें, वरना ये ऐसा ही हाल करते हैं बच्चियों का। कांड को निर्भया कांड से भी जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल। देश की राजधानी में निर्भया कांड हुआ और उसके बाद अब इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना देश की राजधानी में हो जाती है। मैं बहुत जल्द जो है वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाऊंगा और मिलके उनसे बातचीत करूंगा। इन जैसे लोगों की तरह नहीं, ये जो फलाना दल और ये दल और वो दल बनाकर बैठे हुए हैं, ये हिंदू की रक्षा का दल, वो रक्षा का दल, कि मिलने भी ना जाए और मुंह से आवाज भी ना निकले, क्योंकि सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खड़े होते हैं ना, बीजेपी के ऊपर खड़े होते हैं। और जब बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं तो ये लोग कोई नहीं बोलता, सब चुप हो जाते हैं। लेकिन अगर यही घटना में हाथ अगर किसी मुसलमान का होता तो मैं आपको बताता हूं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश की गोदी मीडिया अब तक खप्पर भर चुकी होती, सड़क पर नंगा नाच हो रहा होता, तांडव हो रहा होता, लेकिन अभी कोई बोलने वाला नहीं है। मोहित शर्मा, आप बीजेपी को घसीट रहे, लेकिन अमित शाह का बयान नहीं सुना आपने जी कि बेटियां रात के 12 बजे भी फुल जेवर पहन के निकले तो सुरक्षित है। मेरी बहन मैं आज आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। आप ये जो बार बार अमित शाह जी का जिक्र करती हैं या फिर जो गहने जेवर पहन के बहन बेटियां निकल सकती हैं, उन नेताओं के स्टेटमेंट पे बात करती हैं, मेरी बहन आप खुद एक बहन है, एक पत्रकार होने से पहले आप मेरी बहन है और मेरे देश के अंदर की आप रहती हैं, आपको तो खड़ी होकर देश की बेटियों के लिए, बहनों के लिए आवाज उठानी चाहिए। हमें नेताओं के बयान से झूठे और खोखले ये बात आप कब सामने आके बताएंगी? आपको तो आज माइक लेकर खुद बोलना चाहिए ये बात जो मोहित शर्मा बोल रहे हैं, ये बात खुद प्रियंका को बोलनी चाहिए कि एक जो देश की राजधानी के अंदर बेटी के साथ जिस तरीके का ये घटना हुई है, बेटी को 4 किलोमीटर तक घसीटा गया, उसके प्राण निकल जाते हैं, उसकी जान चली जाती है, आपको खुद आकर बोलना चाहिए। लेकिन आप तो नेताओं के वादे की बात कर रही हैं। बहन बेटियां गहने जेवर पहनकर निकलना तो बहुत मुश्किल है, बहन बेटियां सड़क पर नहीं निकल सकती हैं। दावा करते हैं ना मिस्टर जी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं सर, सीधी सी बात यह है कि सुरक्षा का बात करते हैं। अमित शाह जी, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर एक बेटी के साथ जिस तरीके से आपने देखा है कि उसको जो मार दिया जाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना, उत्तराखंड की जो घटना है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो है उसके जो होटल पे जो है वो बुलडोजर भी चला दी जाती है ताकि सबूतों को मिटाए जाएं, तो उसमें बीजेपी के नेता सम्मिलित होते हैं। आपने देखा होगा जब घटना होती है राजस्थान की, जब वो टेलर का जो है गला काट दिया जाता है, उसमें जो आरोपी होते हैं उनका संबंध बीजेपी के नेताओं से निकलता है। आज जब देश की राजधानी की बात है, अभी बीच में जब बच्चा चोरी के मामले आए थे उसमें बीजेपी के नेताओं का हाथ आपने देखा था, बीजेपी के नेता उसमें थे, हर जगह बीजेपी के नेता पाए जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस देश के लोगों को अपनी बच्चियों को मुसलमानों से नहीं बचाने की जरूरत है तो बीजेपी के नेताओं से, क्योंकि एक अच्छा और सच्चा इंसान कभी, जिसका खुद का घर और परिवार होगा ना, सुन लीजिए, जिसका खुद का घर और परिवार होगा वही घर और परिवार की अहमियत समझ सकता है। जिसका घर और परिवार ही नहीं है, जिसके बीवी और बच्चे ही नहीं है, वो क्या समझेगा कि एक बच्ची की कीमत क्या होती है? नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सारे। एक बात आप मुझे बताइए, स्मृति ईरानी जब उनकी बेटी के ऊपर आरोप खड़े होते हैं, जब स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर जो उनका जो पब का मामला है वो सामने आता है, तब आपने देखा होगा कि कैसे स्मृति ईरानी तिलमिला उठती हैं, सदन में चिल्लाती हैं, सदन के अंदर बहुत गरजाती हैं। लेकिन जब मामला इस देश की बेटियों का होता है तब स्मृति ईरानी के मुंह से आवाज नहीं निकलती।